हेलो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक पोजीशंस के बारे में ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वाइबा के टाइम भी पूछा जाता है सो so विद डायग्राम आज हम सारे पोजीशंस के बारे में स्टडी करेंगे सो so फर्स्ट जो है वो आपकी आती है सुपाइन पोजीशन इस पोजीशन में आपने पेशेंट को बैक की तरफ से लेटाना है सीधा विद आर्म ऑन द साइड और जिसके दोनों हाथ रहेंगे वो साइड में रहेंगे इस पोजिशन का यूज़ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के टाइम पर करते हैं रेस्टिंग के टाइम पर जब आपने पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाना हो अंडर गोइंग एनिस्थीसा के टाइम पे जब आपने पेशेंट को एनिस्थीसिया देना हो लंग बायोप्सी के टाइम पे जब बायोप्सी मीन्स जब पेशेंट के लंग से कोई टिश्यू निकालना हो पंचर करके उस टाइम पे हम ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं सेकेंड आपकी आती है डॉर्सर रिकमेंड पोजीशन इस पोजीशन में आपने पेशेंट को लिटाना है बैकलाइन पोजीशन के अंदर उसके हेड और शोल्डर को एलिवेट करना है पिलो लगाकर आर्म्स आर रेस्टिंग ऑन द साइड एंड जो लेग्स रहेंगी उनकी पोजीशन एक दूसरे से दूर रहेगी जो नी रहेंगी वो फ्लैक्स रहेंगी और जो फूट रहेंगे उनको हम बेड पर रेस्टिंग मोड के लिए छोड़ देंगे इस पोजीशन का यूज़ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ एबडामल जेनाइटल एरिया जब हमने एबडोमर और जेनाइटल एरिया का एग्ज़ामिन करना होता है उस टाइम पे हम ये प्रोवाइड करवाते हैं पेरिनियल केयर के टाइम पे ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड पीवी एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पर भी नेक्स्ट so, आपकी आती है टेंडेलिन बर्क पोजिशन इस पोजिशन में हमने पेशेंट को कमर और बैक के भल से लेटाना है उसके दोनों हाथ साइड में रहेंगे और उसके बेड की पोजीशन हमें इस तरह से रखनी है कि हेड ऑफ़ द बेड इज़ लोअर देन फुट और उसके वेस्ट पे कोई फ्लैक्सन नहीं रहेगा इस पोजीशन का यूज़ हम सॉक वाले पेशेंट के लिए करते हैं ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो सके फुट टू हार्ट एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जिनका बीपी हाई होता है कॉर्ड प्रोलेप्स पेशेंट एंड एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के लिए भी इस पोजिशन का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट आपकी आती है लेटरल पोजिशन इस पोजीशन में हमने पेशेंट को लाई करवाना है लेफ्ट या राइट साइड में वो पेशेंट की मर्जी या डिजीज पे डिपेंड रहता है इसमें हिप और नी की पोजीशन फ्लैक्स रहेगी एंड टॉप लेग इज़ फ्रंट ऑफ द बॉटम इस पोजीशन में बैक और कॉकिक्स पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा इस पोजीशन का यूज़ हम टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन के लिए करते हैं टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉकिक्स बैक अगर बैक या बैक साइड में कोई प्रेशर वगैरह है उसको रिलीज करने के लिए हम ये पोजिशन प्रोवाइड करवाते हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी ड्यूरिंग सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म के टाइम पर भी हम ये पोजिशन प्रोवाइड करवाते हैं एयर एम्बोलिज्म के टाइम पे हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजिशन प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट आपकी आती है सिम्स पोजिशन इस पोजिशन में जो पेशेंट है वो लाई होता है लेफ्ट साइड विथ सेमी प्रोन पोजिशन में और जो एक जो आर्म रहती है वो आपकी बिहाइंड रहती है बिहाइंड द पेशेंट रहेगी और जो दूसरी आर्म है वो फ्लैक्स रहेगी शोल्डर की तरफ दोनों लेग्स फ्लैक्सड रहेंगे आपके एट द लेवल ऑफ हिप इस पोजीशन का यूज़ हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं और एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा जब आपने एनीमा एडमिनिस्टर करना हो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन के लिए भी हम ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट आपकी आती है सेमी फावलर पोजीशन इस पोजीशन में जो आपका बेड रहेगा वो हेड ऑफ बेड रहेगा वो फोर्टी फाइव पर एलिवेट रहेगा एट द लेवल ऑफ वेस्ट इस पोजीशन का यूज हम टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन के लिए करते हैं ट्रैकोफिजल फेस्टुला के लिए करते हैं एंड सेंटेसिस वाले पेशेंट के टाइम पे भी हम ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं आपकी विंड पाइप और फूड पाइप के अंदर जब एबनॉर्मली कोई कनेक्शन देखने को मिलता है तो उसे ट्रैक्योफिजल कस्टुला तो कहते हैं नेक्स्ट आपकी आती है हाई फावलर पोजिशन इस पोजिशन के अंदर जो हेड ऑफ बेड रहेगा वो नाइन्टी डिग्री पर एलिवेट रहेगा करना है आपने इस पोजीशन का यूज हम टू तो प्रिवेंट रिस्क ऑफ चोकिंग चोकिंग यानी जब पेशेंट के गले में कुछ फंस जाता है एंड टू रिलीव रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस रिस्पायरेटरी से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है उस पेशेंट को हम ये प्रोवाइड करवाते हैं नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब इंटब्यूशन के टाइम पे सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्सक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के टाइम पर भी हमें पोजिशन प्रोवाइड करवाते हैं अस्थमा के टाइम पर नेक्स्ट आपकी आती है ऑर्थोपैनिक पोजिशन इस पोजिशन के अंदर आपका पेशेंट जो है वो बैठा हुआ रहेगा ऑन साइड ऑफ बेड उसके आगे आपने एक टेबल रखनी है और उसके ऊपर एक पिलो रखनी है उसके कंफर्ट के लिए इसमें आगे की तरफ झुका हुआ होगा पेशेंट जैसे हम क्लासरूम में हेड डाउन करके बैठते हैं सेम वैसे ही पोजीशन है ये इस पोजीशन का यूज़ हम टू रिलीव डिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस थोड़ा सेंथेसिस के टाइम पे एम्फाइसिमा के टाइम पे और पेविकाडाइटिस वाले पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट आपकी आती है प्रॉन पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को उल्टा लेटना है और हेड को टर्न करना है वन साइड इस पोजीशन का यूज़ हम टू तो प्रिवेंट एस्पिरेशन के लिए करते हैं रीनल बायोप्सी के टाइम पे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइम पे मतलब जैसे किसी के ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई बाइबर्ड डिफेक्ट है तो ऐसे पेशेंट को भी हम ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड हेमरॉयड डक्टोमी के टाइम पे हेमरॉयड डक्टोमी मतलब पाइल्स uh, का कोई सर्जरी वगैरह हुआ हो उस टाइम पे हम ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट आपकी आती है नी चेस्ट पोजीशन इस पोजीशन में पेशेंट को रेस्ट करना है नीज और चेस्ट पे हेड को टर्न करना है एक तरफ आर्म को एक्सटेंड करना है बेड की तरफ और एल्बो फ्लेक्स रहेंगी एबडामन पर किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं होगा इस पोजीशन का यूज हम सेगम सिग्मोइडोस्कोपी के टाइम पे करते हैं लम्बर लैमिकटोमी के टाइम पर सिगमोइडोस्कोपी मतलब सिग्मोइड कोलोन होती है आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन जब आप उसको विद द हेल्प ऑफ इंडोस्कोप मेजर या आप देख रहे होते हैं कैमरे की हेल्प से तो उस प्रोसीजर को हम सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं नेक्स्ट आपकी आती है लिथोटॉमी पोजीशन इस पोजीशन में पेशेंट को बैक के भर लेटना है लेग्स फ्लैक्स रहेंगे और प, आ, हिप पोर्शन से भी और नी पोर्शन से भी लेग्स को आपने सपोर्ट प्रोवाइड कराना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप। इस पोजीशन का यूज़ हम चाइल्ड बर्थ के टाइम पे करते हैं पेल्विक भी गाइनकोलॉजिकल सर्जरी के टाइम पर हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं थैंक यू